आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल द्वारा किए गए प्रदर्शन को भारतीय चयनकर्ता नजरअंदाज नहीं कर पाए और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बतौर स्टैंडबाई खिलाड़ी शामिल किया गया। यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह शामिल किया गया है, जो अपनी शादी की वजह से इस मैच के लिए लंदन देर से पहुंचने वाले थे। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ के इस फैसले के बाद उनकी जगह यशस्वी को स्टैंडबाई खिलाड़ी के लिस्ट में शामिल किया गया। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून से 11 जून तक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच लंदन की द ओवल मैदान पर खेलना है। इसके लिए भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी पहले ही लंदन पहुंच चुके हैं और अब रोहित शर्मा व यशस्वी जायसवाल के साथ कुछ और खिलाड़ी रविवार को लंदन के लिए रवाना हो गए। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट भी रविवार को लंदन के लिए रवाना हुए। यशस्वी जायसवाल को बतौर स्टैंडबाई खिलाड़ी शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिल पाए। उन्हें प्लेइंग 11 में तभी मौका मिल सकता है जब कोई भारतीय ओपनर बल्लेबाज चोटिल हो जाए, नहीं तो उन्हें इंतजार ही करना होगा। वैसे यशस्वी के लिए ये बेहतरीन मौका है क्योंकि उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की फाइनल टीम का ऐलान कर दिया है। वहीं इन दोनों टीमों ने रविवार को आईसीसी को अपनी अंतिम टीम सौंप दी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कोर टीम में 17 की जगह 15 खिलाड़ियों को मौका दिया है, जबकि स्टैंडबाई खिलाड़ी के तौर पर कंगारू टीम में 2 खिलाड़ी को ही टीम में रखा गया है। वहीं भारत की मुख्य टीम में 15 खिलाड़ी हैं, जबकि स्टैंडबाई खिलाड़ी के ग्रुप में 3 प्लेयर शामिल हैं। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने को मौका मिलेगा या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।